जो बच्चे इस कॉपी कल्चर में पकड़े गए तो उनको हम 3 साल के लिए रेस्टिगेट करेंगे। जी बिल्कुल, इम्तिहान का सिलसिला 2 मई से शुरू होने जा रहा है। 9वीं और 10वीं, 11वीं और 12वीं जमात के इम्तिहान में नकल की रोकथाम के लिए क्या इकदाम किए जाएंगे, इस हवाले से आज सक्खर तालीमी बोर्ड में एक आला सतही इजलास जो है वो सूबाई वजीर बोर्ड्स एंड यूनिवर्सिटी मोहम्मद अली मलकानी के ज़ेर सदारत हुआ है, जिसमें क्या फैसले किए गए और नकल को किस तरह से रोका जाएगा, ये जानने के लिए हम बात करते हैं सूबाई वजीर मोहम्मद अली मलकानी साहब से। सर, इम्तिहान शुरू होने जा रहे हैं, नकल एक बहुत बड़ा चैलेंज है सिंध हुकूमत के लिए, महकमा तालीम के लिए, इसकी रोकथाम के लिए क्या प्लानिंग इंशाल्लाह ताला। इसके लिए हमने तय किया है कि ज़ीरो टॉलरेंस, अगर किसी बच्चे ने की है कॉपी तो उसके साथ भी कोई रियायत नहीं होगी, अगर हमारा कोई ऑफिसर है तो उसके साथ भी कोई रियायत नहीं होगी, अगर उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट का कोई ऑफिसर होगा तो मेरी एजुकेशन मिनिस्टर के साथ बात हुई है, हम उनको वो भी हमारे साथ ऑन बोर्ड है, उनके साथ भी कोई रियायत नहीं, बच्चे कॉपी करेंगे उनको डिग्रियां नहीं मिलेंगी इंशाल्लाह। अच्छा सर, मोबाइल का बेदरेक इस्तेमाल होता है इम्तिहानी मराकज़ में, इसकी रोकथाम के लिए क्या प्लानिंग की जा रही है? हमने उसके लिए भी एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमारी बात हुई है, हमारे बोर्ड के अफसरान के साथ भी बात हुई है कि जो भी उसके साथ पाया गया वो हम जब्त करेंगे और गवर्नमेंट को फिर उसके साथ देंगे, हम इस पर सीरियस सोच रहे हैं, और मेरी होम मिनिस्टर साहब से भी बात हुई है कि कानून में जितनी बेस्ट पॉसिबल हमें गुंजाइश होगी वो हम एक्शन लेंगे। जो बच्चे इस कॉपी कल्चर में पकड़े गए तो उनको हम 3 साल के लिए रेस्टिगेट करेंगे, 3 साल वो किसी बोर्ड से इम्तिहान नहीं दे सकेगा, ना कहीं उसको दाखिला मिलेगी। अच्छा बिल्कुल, इंतहाई सख्त और ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी का इंट्रोड्यूस कराई जा रही है इस दफ़ा इम्तिहान में नकल की रोकथाम के लिए। अगरचे कोई बच्चा चीटिंग करते हुए पकड़ा गया, मोबाइल लाते हुए पकड़ा गया, तो उसको न सिर्फ इम्तिहानी मरकज़ से खारिज किया जाएगा, फेल किया जाएगा, बल्कि 3 साल के लिए उसको रेस्टिगेट भी किया जाएगा, ये कहना है सूबाई वज़ीर तालीमी बोर्ड्स और यूनिवर्सिटीज़ मोहम्मद अली मलकानी साहब का, जिसके हवाले से आज ये अहम इजलास में फैसला किया गया है। जी।